आज के समय इंटरनेट पे दो तरह के लोग वायरल जा रहे हैं, एक छपरी क्रिएटर्स और दूसरे मॉडर्न एज बाबास, जिनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं और लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं। उसने कहा, महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? इनफैक्ट कुछ बाबा तो ये तक क्लेम करते हैं कि उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जैसे कि आप बजिंदर सिंह मिस्त्री नाम के इस क्रिश्चियन पैस्टर का एग्जांपल ले सकते हो। इनकी वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये अपने फॉलोअर्स की बड़ी बड़ी बीमारियों को यूं चुटकी में सॉल्व कर देते हैं, जो कि एक डॉक्टर भी नहीं कर पाएगा। इसी समय परमेश्वर का आत्मा इसको छुए, यहोवा की शक्ति उतरे, छोड़ दे। यू आर तो इनकी वीडियोस हमें जितनी ज्यादा फनी लगती है, ये उतनी ज्यादा ही डरावनी है अगर आप इन बाबाओं की दुनिया की दूसरे साइड को जानोगे। क्या आपको पता है कि बजिंदर सिंह नाम के सेल्फ अपॉइंटेड पैस्टर को 2018 में के लिए अक्यूज किया गया था? पीड़िता का ये कहना है कि इस पैस्टर ने उसके साथ करते हुए वीडियो बनाया था और वो इसे ब्लैकमेल किया करता था कि अगर वो इसके बारे में किसी से भी कंप्लेन करेगी तो वो इस वीडियो टेप को रिलीज कर देगा। बाद में दिल्ली पुलिस ने इस इंसान को अरेस्ट भी कर लिया था, बट आज के समय ये बेल पे बाहर है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात उतनी ज्यादा शॉकिंग नहीं लगी होगी, क्योंकि आपने पहले भी इन बाबाओं के बारे में ऐसा सुन रखा है। जैसे कि 2014 में संत रामपाल बाबा ने अपने आश्रम में 5 महिलाओं समेत 15 महीने की एक बच्ची को मारा था, और जब पैरामिलिट्री फोर्सेज इस बाबा को पकड़ने के लिए आश्रम गई थी, तब इनके फॉलोअर्स ने इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को रोकने की कोशिश की थी कि आप हमारे बाबा को अरेस्ट नहीं कर सकते। और ऐसे ही आपको कई बाबाओं के एग्जांपल मिल जाएंगे जिन्होंने ऐसे कर्म किए हुए हैं। बट इन सारी चीजों के बावजूद सबसे शॉकिंग बात इन बाबाओं की ये है कि इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी लोगों का भरोसा इनसे क्यों नहीं टूटता है? क्यों लोग इनको पागलों की तरह फॉलो करते हैं? क्यों इनको पागलों की तरह डिफेंड करते हैं? इनफैक्ट कुछ लोग तो इनके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। एंड जस्ट कीप इन माइंड कि मैं यहाँ पे हर एक स्पिरिचुअल लीडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छे भी होते हैं। मैं यहाँ पे इन फ्रॉड बाबाओं के बारे में बात कर रहा हूँ कि आखिर ये ऐसा क्या करते हैं जिसके वजह से इनकी इतनी अंधी फैन फॉलोइंग बन जाती है। लेट्स फाइंड आउट ये फर्जी स्पिरिचुअल लीडर्स ऐसा कैसे कर पाते हैं। इसका जवाब लोगों की इनसिक्योरिटीज और कमजोरियों में छुपा हुआ है। आज के समय में कोई भी इंसान अपने लाइफ में खुश या संतुष्ट नहीं है, हर एक के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिससे वो डील कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि इन बाबाओं के सेमिनार में सिर्फ गरीब लोग नहीं आते हैं, अमीर लोग भी इनसे बेवकूफ बन रहे हैं। और इन सेमिनार में ठीक वैसे ही लोग आते हैं जिनके लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। किसी के घर में पैसे नहीं है तो किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है तो किसी की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, कोई कैंसर के थर्ड स्टेज में है तो कोई अंधा है। और ये लोग अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सारे पैतरे आजमाने की कोशिश करते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो कोई डॉक्टर के पास, कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो कोई थोड़ी देर के लिए अपने प्रॉब्लम्स को भुलाने के लिए शराब पीता है। बट फिर भी कभी कभी लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। और जब एक इंसान को लगता है कि उसके जीवन में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं तो वो किसकी ओर देखता है? जी हाँ, आपने सही गेस किया, वो भगवान की ओर देखता है कि भगवान उसकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। अब भगवान खुद तो पृथ्वी पे आके इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो वो भगवान के अल्टरनेट ऑप्शंस को देखने लगता है। यानी कि ऐसे लोग जो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं और वो इसकी प्रॉब्लम्स का यूं चुटकी में समाधान कर सकते हैं। ना अगर आप भारत की हिस्ट्री को देखोगे तो ये कोई नई बात नहीं है। पुरातन काल में भी अगर लोगों को कोई समस्या होती थी तो वो इसका समाधान ढूंढने के लिए गुरुओं के पास जाते थे। जैसे कि आप महाभारत में द्रोणाचार्य का एग्जांपल ले लो। द्रोणाचार्य ने अपना अधिकतर जीवन गरीबी में ही काटा था। एक बार जब उन्होंने सुना था कि परशुराम अपनी वेल्थ को गरीबों में बांट रहे हैं तो वो भी वहां पे पहुंच गए थे। बट द्रोणाचार्य के वहां पहुंचते सारे पैसे बट चुके थे। इस बात पर द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा निराश हो गए थे और उनके इस हालत को देखते हुए तब गुरु परशुराम ने द्रोणाचार्य को मिलिट्री कॉम्बैट सिखाने का वादा किया था, जिसका बाद में द्रोणाचार्य एक मास्टर बन गए। ये गुरु परशुराम ही थे जिनकी वजह से द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र चलाने की स्किल को एक्वायर किया था, और बाद में आगे जाके द्रोणाचार्य ने ये सारी विद्या अर्जुन को दे दी थी। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज के समय गुरुओं की मीनिंग ही बदल चुकी है। आज के समय ये एक इंडस्ट्री ही बन चुकी है जहां पे ये कॉनमैन लोगों की इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट करके इनका फायदा उठाते हैं। ये इन लोगों को एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन देते हैं कि आप ऐसा करो कि आप समोसे को एक हरे रंग की चटनी के साथ खाओ और इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये बताओ कि माँ कामाख्या के मंदिर कब गए? करीब 20-25 दिन हुए। चुन्नी देखी थी वहाँ पड़ी? जी देखी थी। चढ़ाई नहीं? चढ़ाई थी। कितनी बड़ी थी भाई? नॉर्मल जो होती है वही चढ़ाई थी, छोटी साइज थी। अब बड़ी चुन्नी चढ़ाना, फिर कृपा तुम्हारी बड़ी है। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा करने के बाद जब लोगों की समस्याएं नहीं खत्म होती होंगी तब लोगों का आंख खुल जाता होगा?
बिल्कुल गलत। ये फर्क ही नहीं पड़ता कि इन बाबाओं के क्विक फिक्स सॉल्यूशन काम करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर नहीं करता है तो बाबा एक और सॉल्यूशन देते हैं, फिर अगर वो भी नहीं वर्क करता है तो फिर एक और सॉल्यूशन, फिर एक और सॉल्यूशन, फिर एक और सॉल्यूशन, एंड द गेम ऑफ फूलिंग कंटिन्यूज। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि प्यासे को एक तिनके का सहारा। ये लोग भी वैसे ही इस होप में लगे रहते हैं कभी ना कभी इनकी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही जाएंगी। इनफैक्ट आज के समय तो ये कॉनमैन सिर्फ एक जादुई बाबा तक ही सीमित नहीं रहे हैं, ये लोगों के लिए साइकोलॉजिस्ट भी बन चुके हैं, फैमिली कंसल्टेंट भी बन चुके हैं और एक स्पिरिचुअल गाइड भी बन चुके हैं। और एज बाबा उनके सवालों का जवाब देते हैं तो लोगों को अपना दिमाग यूज करने का टेंशन ही नहीं होता है। जैसा बाबा बोलते हैं ये लोग वैसे ही करते जाते हैं। और फिर ओवर टाइम ये बाबा इन डिवोटीज का मोरल कंपास भी बन जाते हैं। और आगे जाके जब कोई एक इंसान इन बाबाओं को अक्यूज करता है के लिए, मर्डर के लिए, तो उस समय वो सिर्फ उस बाबा को अक्यूज नहीं कर रहा होता है, एट द सेम टाइम वो इन डिवोटीज के ब्लाइंड और अनशेकेबल फेथ पर भी क्वेश्चन कर रहा होता है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको वीडियो के पहले में ही संत रामपाल बाबा के कहानी में बताया था। असल में अगर आप देखोगे तो ये फर्जी बाबा एक वेल प्लान्ड बिजनेसमैन होते हैं और ये भगवान के नाम पे धंधा करते हैं और इसकी स्टार्टअप कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लो है। आपको कुछ नहीं करना है, इधर आपको लंबे बाल बढ़ाने या फिर आपको लंबी दाढ़ी बढ़ानी है और कुछ की तो इन दोनों के बिना ही काम चल रहा है। इसके बाद आपको एक लैंड चाहिए और कुछ चिल्ले जिनका यूज करके आप अपना प्रोपोगंडा रन कर सको, जैसे कि द सो कॉल्ड प्रॉफिट बजिंदर सिंह करते हैं, जहां पे वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते हैं। इसके बाद ये ऐसे लोग जो चल नहीं पाते इनको भी अपने पैरों पे खड़े कर देते हैं और वो वापस से चलने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसी चीजें देखने के बाद लोगों को ये लगने लगता है कि शायद सच में इनके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हैं और फिर यहीं से इनका धंधा शुरू हो जाता है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट खोलते हैं जो इनकम टैक्स स्लैब में भी नहीं आता है, तो वो फ्री का पैसा फिर छापने लगते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं खत्म होती, ये एक लेवल और ज्यादा खतरनाक तब हो जाती है जब इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हर एक पॉलिटिशियंस को पता है कि इन बाबाओं के पास एक अंधे फॉलोअर्स का गुट है, जैसा बाबा बोलेंगे ये लोग वैसा ही करेंगे और इसी का एडवांटेज लेते हैं पॉलिटिशियंस इलेक्शंस के समय। जैसे कि 2017 में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिशियंस ने गुरु राम रहीम को यूज किया था वोट के लिए, जबकि उस समय रहीम के अगेंस्ट कुछ सीरियस रेप और मर्डर चार्जेस लगे हुए थे, बट नो पॉलिटिकल पार्टी गेव अ डैम अबाउट इट। तो पॉलिटिशियंस इनका यूज करते हैं और बदले में ये पॉलिटिशियंस के पावर को एक्सप्लॉइट करते हैं कि कोई भी इंसान इनके अगेंस्ट कुछ भी ना कर पाए। और धीरे धीरे जब ये कॉमन लोगों को और देश के सिस्टम को कंट्रोल करने लगते हैं तब इनको लगने लगता है कि वो भी अपना को कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि अपन उसके भी ऊपर है। आज से गोपाल मठ में सिर्फ एक ही भगवान की पूजा की जाएगी और वो है मैं। फिर यहीं से इनका दुष्कर्म शुरू हो जाता है और आगे जाके बहुत सारे क्राइम्स करते हैं, मर्डर्स करते हैं, ये सोच के कि कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं देन वॉच दिस वीडियोस व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।